मोदी जी हर बार की तरह इस बार भी 5 दिन के लिए यहाँ पर विराजमान है। वैसे तो ऐसा बोलते हैं कि गणपति जी हमारे अंदर हैं, हमारे साथ ही रहते हैं हर समय, लेकिन मूर्ति स्वरूप वो इन 5 दिनों के लिए आते हैं घर पे, और 1 महीने पहले से तैयारी शुरू हो जाती है, बिकॉज़ जो मंडप है वो भी हम आके बनाते हैं, मम्मा बनाती हैं, मिठाइयाँ भी सब घर पे बनती हैं। सो पूरे साल का सबसे ज़्यादा स्पेशल समय जो है वो ये होता है। गणपति आए हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, मतलब आप डायरेक्शंस देते होंगे कैसे गणपति चाहिए आपको जब बनाते हैं गणपति मूर्ति बनती है तो हम कोशिश करते हैं कि जितना पर्यावरण पे ध्यान दिया जाए उतना ही, जितना इको फ्रेंडली हो सके उतनी इको फ्रेंडली तरीके से सेलिब्रेट किया जाए। विसर्जन भी हम उसी तरह से करते हैं, हमारा विसर्जन भी हम इको फ्रेंडली तरीके से ही करते हैं। सो बस भक्तिभाव से जितना हो सके बाबा की सेवा करते हैं 5 दिन। जैसे कि आजकल इको फ्रेंडली गणपति का समय चल रहा है, तो आप किस तरह से लोगों के संदेशा देना चाहेंगे कि इको फ्रेंडली कितना इम्पोर्टेंट है आज के लिए पर्यावरण के दौरान? मुझे ऐसा लगता है कि भगवान बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि जिस सृष्टि का उन्होंने निर्माण किया है वो किसी भी फेस्टिवल के लिए उसे हम ख़राब करें। और गणेश चतुर्थी पर तो हम देखते हैं जैसे ही 5 दिन 10 दिन निकल जाते हैं, स्पेशली जब हम चौपाटी जाते हैं या जिन जगहों पर विसर्जन होता है, मूर्तियों के जो रिमेन्स होते हैं वो मिलते हैं, और बहुत मन दुखता है देखकर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं मूर्ति बनाने के लिए जो सॉल्युबल नहीं होते हैं। इसलिए मैं चाहूँगी कि जितना हो सके आप पर्यावरण के सिंक में रहकर हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करें। बहुत ही अच्छा लगता है हर साल जब गणेश चतुर्थी का दिन आता है, और हम सब इंतज़ार करते हैं कि कब आने वाला है ये दिन, और ये हमारे घर आकर रहते हैं और हम इनके यू नो आरती करते हैं, पूजा करते हैं, फैमिलीज फ्रेंड्स सब मिलते हैं, और इस बार आप सब भी आए हो मेरे पास तो बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलकर भी, और एक बच्चों को मज़ा आता है मोदक बनाने में, यानी यू नो वी ईट पूरन पोली सब करते हैं हम। जी बिल्कुल, एक दिन पहले ही हम सब तैयार करके रखते हैं, और ये फ्लावर्स सुबह आकर रियल फ्लावर्स का एक सजावट होता है यहाँ पर, और बेसिक जो हम हर साल रखते हैं वैसे ही रखते हैं हम। बिल्कुल एक पर्सनल लेवल पर नहीं, लेकिन एक यूनिवर्सल लेवल पर मेरा बस यही प्रेयर है, हम सब इंसान हैं, हमें यू नो एक ब्यूटीफुल लाइफ मिला है, और हमें इसे खूबसूरती से जीना चाहिए, और जीने की एक राइट होना चाहिए, फ्रीडम टू लिव फ्रीली। तो मैं यही चाहूँगी कि हमारे देश में लड़कियों को एक फ्रीली जीने का, बगैर डरे हुए जीने का एक विश है मेरा। बिल्कुल वेल टू ऑल द व्यूअर्स, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी, लॉट्स ऑफ लव। कार्तिक जी आप पापा के दर्शन करना? हर साल करता हूँ, और गणपति जी पापा यहाँ पे आए हैं, मैं भी उनको देखने के लिए यहाँ पे आया हूँ, और थैंक यू। ऐसी भावनाएं हैं देखिए जैसे किसी तीर्थ पे आए हों, किसी धाम में आए हों, और श्रीमंत भाव साहेब रंगारी, ये सार्वजनिक पहला गणपति भारत का, आज पूरे भारत में गणपति मनाया जाता है, और बड़े बड़े पांडाल बड़े बड़े सुसज्जित होकर, अभी हम जा भी रहे हैं परसों सिएटल में भी यहीं से महाराष्ट्र से ही जा रहा है, वैंकूवर के माध्यम से समुद्री मार्ग से जा रहा है, 3 महीने पहले से ही यात्रा प्रारंभ हो गई थी, हर जगह जा रहे हैं, आज भले पूरी दुनिया मना रही है लेकिन जहां से प्रारंभ हुआ जहां से उद्गम हुआ आज हम उस खंड पे हैं, वो किसी तीर्थ से कम नहीं है। और ऐ मेरे भारत, यदि भारत इतना परम भागी है, भारत का कैलाश खेर आपका इतना परम भागी है कि ऐसी पवित्र जगह पर उनको आज के दिन आने को मिला, तो ऐ मेरे प्यारे भारतीयों, ऐ मेरे अध्यात्म में जीने वाले सनातनियों, कृपया अपना ध्यान रखिए, संगठित रहिए, प्रेम से रहिए, और अपने अंदर का जो
सच्चा आपका आत्मा आत्मबल है उसको जगाए रखिए, बाकी तो मेरे करणहार मेरे करतार हैं, परमात्मा ही करने वाले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है बप्पा, यू नो हमेशा ही जब से मुंबई में शुरुआत हुई है तब से लेके आज तक हमेशा बप्पा मार्गदर्शन करते आए हैं और नए घर में बप्पा का आगमन हुआ है। सो आई होप कि जैसा आशीर्वाद इतने सालों से बना के रखा है वैसे ही बना रहे और बप्पा हमेशा गाइड करते रहे जिस रास्ते पर चले हैं। क्या बात है, हर साल की तरह इस साल क्या गुड विशेस रही हैं आपका? गणपति बप्पा से कुछ बताना चाहेंगे, नए घर में आ गए हैं और क्या कुछ प्लान है? वही है कि बेनो लोगों से जुड़े रहें, जो बप्पा करवा रहे हैं लोगों के लिए वो करवाता रहूं, और इस बार इस साल फतेह भी आ रही है तो वो एक बड़ी स्पेशल सफ़र रहेगा। तो बप्पा से यही कहूँगा कि फतेह की फतेह ज़रूर हो, और जब जनवरी में आए तो अगले साल जब हम वापस हमारी मुलाकात हो तो उस समय में भी हम लोग अगली फतेह टू की तैयारी कर रहे हों। क्या बात है सर, ये भी जानना चाहूँगी जिस तरीके से मैंने एंट्री से लेके स्थापना तक देखा, बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे और एक एक चीज़ें रखे, उनका किस तरीके का मोमेंट रहा इसमें बताना चाहें? मैं ये कहूँगा कि हमेशा पापा को जब भी घर पे लेके आते हैं एक अलग तरह की एक्साइटमेंट रहती है, और इतने सालों से हम लोगों ने भी मेड श्योर की पापा के समय सिर्फ बप्पा का ही समय होना चाहिए, उस समय ट्रैवलिंग ना हो, शूटिंग्स ना हो, और हमेशा ऐसा होता रहा है इतने सालों से, 23 सालों से ऐसे होता रहा है, और सबकी घर में बहुत एक्साइटमेंट रहती है, इनफैक्ट बच्चों की भी उतनी ही एक्साइटमेंट रहती है, और अच्छी बात यह है कि अभी वो भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालने लगे। कितने दिन के लिए पापा को स्थापना किया गया है? हम लोग 5 दिन के लिए होते हैं पापा। इन 5 भैया कोई फेवरेट आपका गणपति का कोई नारा या कोई गाना आप बता सकते? मुझे लगता है कि गणपति की आरती जो जय गणेश है वो सबकी हमारी फेवरेट है, और जितनी हमने अगर हम फिल्म्स की बात करें जिस दुनिया को हम लोग बिलोंग करते हैं, सो मुझे बचपन से जो टक्कर फिल्म आई थी बड़े साल पहले, पता नहीं कितने लोग भी जानते हैं, उसके अंदर एक गाना था जो बड़ा फेवरेट है कि बप्पा के ऊपर ही था, पर मैं हमेशा एक चीज़ देखी कि बप्पा की ब्लेसिंग जिस भी फिल्म में होती है गाने की हमेशा वो हिट ही होती है, ब्लॉकबस्टर होती है। सो आई फील कि बप्पा जिस फिल्म में चरण रखते हैं, जिस घर में चरण रखते हैं, हमेशा उसमें बरकत होती है। सर।